देखिए बिहार गवर्नमेंट के तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, यानी कि बिहार गवर्नमेंट में मार्कशीट को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। यानी कि जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम दिए थे तो उनका क्या होता है कि 2022 में ही रिजल्ट आता है, यानी कि सब कुछ 2022 में ही होता है। तो आपका रिजल्ट आया होगा तो आप क्या किए होंगे कि ऑनलाइन चेक किए होंगे, क्या किए होंगे, इस तरह से ऑनलाइन चेक किए होंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक डाटा शो होता है, यानी कि मार्कशीट ही तरह ही होता है लेकिन वो डुप्लीकेट होता है। लेकिन जब आप कुछ दिन हो जाता है यानी कि 2022 में जब एक रिजल्ट आ जाता है तो उसके कुछ दिन बाद आपको स्कूल में क्या होता है कि इस तरह से आपको ओरिजिनल दिए जाते हैं मार्कशीट। तो इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि आखिर किन किन को मार्कशीट दिया जाएगा और किन किन को मार्कशीट नहीं दिया जाएगा। बिहार बोर्ड में बिहार जो बोर्ड है ये बहुत बड़ा एक्शन लिया, तो क्या है बड़ा एक्शन वो समझेंगे आज के वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए जो लोग भी 2022 में एग्जाम दिए थे और उनका रिजल्ट आया था तो वो लोग क्या किए होंगे कि देखिए उनका इस तरह से आ गया होगा मार्कशीट लेकिन उनका ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल अब आप मिलने स्टार्ट हो गया जो कि 11 जून से मिलेगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा। आखिर क्यों नहीं मिलेगा वो समझिए। देखिए जिसमें आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले आपका एग्जाम फी भी लगता है, यानी कि आपको एग्जाम देने से पहले आपको पैसा लगता है कि आप एग्जाम में जो भी पेपर वगैरह खर्च होता है उसका आपको पैसा लिया जाता है। तो अगर आपने एग्जाम फी नहीं दिया होगा यहां पर तो क्या होगा कि आपको मार्कशीट नहीं दिया जाएगा। अगर आपने एग्जाम फी दिए होंगे तो आपको मार्कशीट दे दिए जाएंगे। अगर आप मतलब कि आप अगर आपने एग्जाम फी नहीं दिया है तो क्या करना है वो समझिए। अगर आपने एग्जाम फी नहीं दिया तो आप 15 जून से पहले, देखिए आज कितना जून है वो देख लीजिए, आज हो गया है 9 जून, तो आपको क्या करना है कि 15 जून से पहले आपको क्या करना है कि एक आपको वेबसाइट दिख गया होगा स्क्रीन पर जो कि खुद बिहार बोर्ड ने लाया है, ये वेबसाइट है, उस पर आप पैसा जमा करना है। अगर आपको जमा करने नहीं आता है तो मोबाइल से भी होता है, तो आप क्या करेंगे कि किसी स्टूडियो में चले जाएंगे जहां पर ऑनलाइन काम होता है, वहां पर जाकर के बोल देंगे कि हमें पैसा यहां पर जाना है, बिहार बोर्ड के इस वेबसाइट पर डालना है, वह और लोग क्या कर देंगे आपका पैसा डाल देंगे। उम्मीद है यही बात है कि आपको इसमें 15 जून से पहले डालना है। तो ये बात आप 15 जून से पहले डाल देंगे तो अब क्या होगा वो समझिए। अगर फी 15 जून से पहले डाल देंगे तो आपको 15 जून के बाद आपको जाना है DEO और वहां से क्या करना है कि अपना मार्कशीट ले लेना है। लेकिन अब आपको स्कूल से नहीं दिए देना होगा, यानी कि देखिए अगर आपने फी नहीं दिया होगा तो आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा DEO में। लेकिन एक कंडीशन यही है कि आपको 15 जून से पहले वहां पर पैसा दे देना है, यानी कि उस वेबसाइट पर 15 जून से पहले पैसा दे देंगे तभी आपको यहां पर मार्कशीट मिलेंगे। और जो लोग भी फी दे दिए थे यानी कि जो लोग भी फी दे दिए थे वो लोग क्या करेंगे कि स्कूल से जाकर के अपना मार्कशीट ले लेंगे, 11 जून से उनका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सभी जिला में बात करें तो 11 जून से होगा, यानी कि कोई किसी किसी जिला में 10 जून से भी हो जाएंगे, किसी के 11 जून से, लेकिन यहाँ पर फाइनली जो मेन डेट है वो मतलब कि 11 जून से सभी जिला में, यानी कि जितने भी बिहार के जिले सभी में आपको 11 जून से ये मतलब इसका वितरण चालू होगा। तो आप अपने स्कूल में जाकर के मार्कशीट ले लेंगे और जो लोग भी पेमेंट नहीं जमा किए वो लोग आपको DEO से मिलना है और 15 जून से पहले आपको पैसा जमा कर देना है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।